फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर। मेरा नाम रिंकी मिगलानी है और मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में कॉमर्स की प्रोफेसर हूँ। आज के हम इस ई लर्निंग क्लास के अंदर मार्केटिंग के टॉपिक बाइंग मोटिव्स के बारे में सीखेंगे। बाइंग मोटिव का ये जो टॉपिक है, ये हमारे बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए और एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि बाइंग मोटिव्स क्या है। बाइंग मोटिव का मीनिंग जानने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मोटिव क्या है। मोटिव हिंदी में इसे बोला जाता है एक प्रेरणा। क्या होती है ये प्रेरणा? प्रेरणा का मतलब है एन इनर अर्ज, एक आंतरिक लालसा। आंतरिक क्यों? आंतरिक का मतलब है कि ये हमारे अंदर से जागृत होती है जो बाहर वाले व्यक्तियों को दिखाई नहीं देती। दैट मूव्स और प्रॉम्प्ट्स, इट मींस ये हम लोगों को मूव करती है, गतिशील बनाती है। बट फॉर व्हाट, किसके लिए? अ पर्सन टू एक्शन, ताकि एक व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित हो सके। इट मींस प्रेरणा का अर्थ होता है कोई भी एक लालसा, कोई भी एक जिज्ञासा, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति एक काम को करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे हम इंसान अलग अलग है, जैसे हम कस्टमर अलग अलग है, वैसे ही व्यक्ति के अंदर जो मोटिव्स हैं वो भी अलग अलग होती है। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा छुपी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बीकॉम कर रही हूँ, बीए कर रही हूँ, व्हाटएवर, लेकिन क्यों कर रही हूँ? मुझे अच्छे मार्क्स लेनी है। तो वो अच्छे मार्क्स लेना, इसके पीछे क्या है? प्रेरणा है। अगर ये प्रेरणा ना हो, अगर ये मोटिव ना हो, तो जो व्यक्ति है वो निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि प्रेरणा के बिना हमारी जिंदगी जीने का जो लक्ष्य है वो नहीं बचता। तो कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा छिपी होती है, और इसी प्रेरणा की वजह से ही व्यक्ति किसी भी निर्णय को लेने के लिए प्रभावित होता है। नाउ व्हाट इज बाइंग मोटिव? अब हमने शुरू करना है कि क्रय प्रेरणा क्या है। अब तक हमने पढ़ा कि मोटिव क्या है, प्रेरणा क्या है। हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन अब हमने उस मोटिव को बाइंग मोटिव में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? कोई भी मोटिव हमारी बाइंग मोटिव तब बनती है जब हम एक कारण ढूंढते हैं कि रीजन क्या है कि हमने कोई भी चीज क्यों खरीदी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, अब मुझे ठंड से बचना है, ये है मेरा मोटिव, ये है मेरा उद्देश्य। अब उस ठंड से बचने के लिए मैं अपने घर में हीटर या गीजर खरीदती हूँ, तो वो मोटिव हमारी बन जाएगी बाइंग मोटिव। और उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे, ये ढूंढेंगे कि उस हीटर या गीजर को अपने घर में लगवाकर हमें पूरी सेटिस्फेक्शन मिले, ताकि हमारा जो मोटिव है, जो माइंड मोटिव है, वो भी हमारा पूरा हो जाए। हर विपणनकर्ता अलग अलग बाइंग मोटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पर रेशनल अपील का इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह पर इमोशनल अपील का इस्तेमाल किया जाता है, और कई जगह पर पैट्रोनेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होती है ये अपील, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम लोग बाइंग मोटिव्स करते हैं यूज, उसके अंदर कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है? पार्टिसिपेंट्स ऑफ बाइंग मोटिव्स। बाइंग मोटिव्स के पार्टिसिपेंट्स के अंदर सबसे पहला पार्टिसिपेंट है हमारा इनिशिएटर। इनिशिएटर का मतलब होता है सबसे पहले जिस व्यक्ति के दिमाग में किसी भी चीज को खरीदने का विचार आया, उसे हम लोग इनिशिएटर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लोगों का पांच फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले मेरे दिमाग के अंदर ये विचार आया कि मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना है, तो इस पांच फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर मैं जो हूँ वो इनिशिएटर हूँ, क्योंकि इनिशिएटर ही वो व्यक्ति होता है जो किसी काम को करने की शुरुआत करता है और बाकी सभी लोग उसे फॉलो करते हैं। दूसरा पार्टिसिपेंट इसके अंदर हमारा है इन्फ्लुएंसर। इसका मतलब होता है उस चीज को प्रभावित करने वाला। अब मेरे दिमाग में ये विचार तो आ गया कि मैंने जो है एक मोबाइल फोन खरीदना है, लेकिन आज मार्केट में हम देखें तो बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर हमारे मोबाइल फोन अवेलेबल है। हम सैमसंग का है, वीवो का है, ओप्पो का है, लेकिन हमें कौन सा खरीदना है? इसके लिए मैं अपनी एक फ्रेंड की शॉप पर गई जो मोबाइल की शॉप को रन करते हैं। उसको मैंने सबसे पहले अपनी सारी डिमांड्स बता दी
कि मुझे जो फोन चाहिए मुझे उसका कैमरा बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वट एवर जो भी मोबाइल की एक अच्छे फीचर्स होती है, ठीक है। अब उसने मुझे बताया कि ये आप मोबाइल ले लीजिए, या ओप्पो का ले लीजिए, या सैमसंग का ले लीजिए, इसके अंदर आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। तो मेरी उस क्रय निर्णय को प्रभावित जो किया मेरे उस फ्रेंड ने किया। नाउ डिसाइडर, अब मेरे फ्रेंड ने मेरे को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हर फोन के फीचर्स के बारे में। नाउ अब मुझे ये निर्णय लेना है कि मुझे वो फोन कौन सा खरीदना है, किस मॉडल का खरीदना है। तो इस केस के अंदर मैं हूं निर्णय लेने वाली कि मैंने वो फोन कहां से खरीदना है, कब खरीदना है, किस फ्रेंड की शॉप से खरीदना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायर की। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फोन जो है जरूर खरीदूंगी। अब मैं उस शॉप पर गई और मैंने उस फोन को खरीद लिया, तो मैं यहां पर जो है बायर बन गई, ठीक। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, यूजर। हो सकता है मैंने जो ये फोन खरीदा, हो सकता है मैं इसे यूज करूं भी, और हो सकता है इसे यूज मैं ना भी करूं। तो यहां पर फर्क होता है बायर में और यूजर में। बायर होता है जिस व्यक्ति ने किसी भी चीज को खरीदा, लेकिन यूजर वो व्यक्ति होता है जो उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर मोबाइल को अगर मैंने खरीदा और मैंने ही यूज किया, तो मैं ही बायर हूं और मैं ही यूजर हूं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने एक शूज खरीदने हैं, मेरे फादर साहब मेरे साथ गए, वो हेड ऑफ द फैमिली है, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये वाले जो है शूज खरीदने चाहिए। तो बायर तो हो गए वो, लेकिन उसे पहनूंगी मैं, यूज करूंगी मैं। तो यहां पर यूजर हुई मैं और बायर हुए मेरे फादर साहब। तो ये हमारे 5 पार्टिसिपेंट्स थे किसी भी बाइंग मोटिव के, जिसके बिना बाइंग मोटिव की प्रक्रिया हमारी शुरू भी नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उन बाइंग मोटिव्स के प्रकार के बारे में जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। इस चार्ट के अंदर देखें टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव के बारे में। 3 प्रकार की हमारी बाइंग मोटिव्स होती हैं। इमोशनल बाइंग मोटिव्स, मतलब की भावनात्मक। दूसरी रेशनल, मतलब जिसके अंदर हम अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तर्कसंगत जिसे हिंदी में कहा जाता है, और पेट्रोनेज। ये 3 बाइंग मोटिव्स के बारे में अब हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इमोशनल बाइंग मोटिव्स, भावनात्मक क्रय प्रेरणाएं क्या होती है ये। इट प्रॉम्प्ट्स द प्रोस्पेक्ट टू एक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एन अपील टू सम सेंटीमेंट और पैशन एसेट्रा। इमोशनल बाइंग मोटिव्स हमारी वो मोटिव्स कहलाती हैं जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी जजमेंट से कोई भी चीज नहीं खरीदता। इट मीन्स हम लोग अपनी भावना की वजह से, फीलिंग की वजह से, प्यार की वजह से, अफेक्शन की वजह से जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसे कहा जाता है इमोशनल बाइंग मोटिव्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करते। स्पेशली हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीजें, स्पेशली फेस्टिवल पर, हमारी एनिवर्सरीज पर, हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती, बट फिर भी हम लोग खरीदते हैं। तो वो सारी चीजें हमारी इमोशनल बाइंग मोटिव्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग ये कहें कि यहां पर हम लोग दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं सोच रहे। लेकिन ये इमोशनल बाइंग मोटिव्स होती क्या है, देखिए इसमें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अंदर प्राइड की। प्राइड का मतलब होता है गर्व। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि लोग जो है हमारे ऊपर गर्व करें, हमारे ऊपर अभिमान करें। हो सकता है उन्हें उस चीज की नीड ना भी हो, लेकिन फिर भी वो उस चीज को खरीदते हैं। वो हमारी कहलाती है प्राइड। मान लीजिए मेरे पास एक कार है, मेरे पास ऑल्टो कार है, ठीक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार लोग जो है मेरे ऊपर पूरा गर्व करें। तो मैंने क्या किया, होंडा सिटी कार खरीद ली। काम मेरा बढ़िया चल रहा था, ऑल्टो कार से भी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन पैसा भी था और मुझे ये लगा कि लोग जो है मेरे ऊपर गर्व करें, तो अपनी शानो शौकत को दिखाने के लिए मैंने वो चीज जो है खरीद ली। तो वो चीज हमारी आती है प्राइड। तो यहां पर हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, इमोशनल अपील का। दूसरा जेलसी। बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन लेडीज के अंदर जेलसी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बहुत सारी चीजें जैसे कि साड़ीज हैं, ज्वेलरी है, सूट्स हैं, कॉस्मेटिक का सामान है, इन चीजों के जितने भी विपणन करता है वो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। जेलसी का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरा एक पड़ोसी है, मेरे को थोड़ी सी उससे ईर्ष्या रहती है,
तो मुझे ये लगता है कि अगर उसके पास ये चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। उससे जेलसी है इसलिए मैंने वो चीज खरीदी, मेरे को जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने खरीदी, वो हमारी क्या कहलाएगी? जेलसी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कंफर्ट की। आज के इस टाइम के अंदर हम लोग बहुत बिजी हैं, हर किसी की लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो बड़े ऐशो आराम से गुजरे, और हमारे पास चाहे कम पैसा हो फिर भी हम ये चाहते हैं कि कंफर्ट होना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे घरों में जो एसी है, फ्रिज है, कूलर है, गीजर है, हीटर है, ये सब क्यों है? जब ये नहीं थी काम तो तब भी चलते थे, लेकिन अपने कंफर्ट को बढ़ाने के लिए हमने इसको खरीदना शुरू कर दिया। और शायद मेरे हिसाब से आज मार्केट में 80% से ज्यादा लोग अपने कंफर्ट को बढ़ाने के लिए ही वो चीजें जो है खरीद रहे हैं। अब बात करेंगे लव की, प्यार की। इसका इस्तेमाल ज्यादातर हमारे किसी भी ओकेशन पर किया जाता है, जैसे कि रक्षाबंधन है, हमारी एनिवर्सरी है। आपने एक बात नोटिस की होगी, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो कैडबरी सेलिब्रेशन की एड टीवी में बहुत ज्यादा आती है, जिसके अंदर ये शो किया जाता है कि एक भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करता है और वो बदले में उसको जो है कैडबरी सेलिब्रेशन देगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि चॉकलेट ही देनी है, कुछ और दे दो। लेकिन टीवी में इस अपील का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, अपने लव को, अपने प्यार को, अपने अफेक्शन को शो करने के लिए हम वो चीज खरीदते हैं। मान लीजिए मेरे घर में किसी का बर्थडे है तो मैं जो है वो केक जरूर खरीदूंगी, शायद मेरी मम्मी वो ना भी खाती हो, लेकिन मैंने अपने प्यार को शो करने के लिए वो चीज जरूर खरीदी। तो यहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया? लव का। नेक्स्ट, हैबिट। हैबिट को हिंदी में बोला जाता है आदत। कई बार हमें कुछ आदतें होती हैं, हो सकता है वो अच्छी भी हो सकता है वो बुरी भी हो। जैसे कुछ लोगों को सिगरेट पीने की बहुत गंदी आदत होती है, गंदी ही कहूंगी क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो जो सिगरेट है अगर जिसे पीने की आदत पड़ जाए वो जरूर इसे खरीदेगा, चाहे मार्केट में इसके प्राइसेस कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। तो हैबिट की वजह से भी हम कई बार बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं। प्रेज, प्रशंसा। नेचुरल सी बात है, हर बंदे को अपनी प्रशंसा सुननी बहुत ज्यादा पसंद है, और कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से हर एक सेल्समैन को कि वो जब भी कोई अपनी चीज बेचे तो प्रशंसा जरूर करे। इसमें लगता कुछ नहीं है, कॉस्ट कुछ नहीं आती, लेकिन जो इसका बेनिफिट है वो लंबे समय तक होता है। एक बार आपने किसी की प्रेज कर दी और वो व्यक्ति खुश हो गया तो वो आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बार बार खरीदेगा। और लास्ट, इमिटेशन। सबसे इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए नकल करना, और मेरे हिसाब से सभी लोग एक दूसरे की नकल जो है वो जरूर करते हैं, स्पेशली बॉलीवुड के स्टार्स की। इसीलिए शायद देखा होगा टीवी के अंदर जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उसमें किसी ना किसी फिल्मी स्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। मान लीजिए मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, ठीक है, तो शाहरुख खान जो चीजें खरीदते हैं तो मैं शायद वो ही चीज खरीदूंगी। इसे कहा जाता है इमिटेट करना, नकल करना। तो अब हमने इतने सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, शायद हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हमने यहाँ पर दिल से सोचा, दिमाग से नहीं, इसीलिए हम लोगों ने इमोशनल बाइंग मोटिव का इस्तेमाल किया। और मेरे हिसाब से आप अपनी बहुत सारी चीजें बेच सकते हो अगर आप लोग इमोशनल बाइंग मोटिव का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपील की, नेक्स्ट बाइंग मोटिव की, रैशनल बाइंग मोटिव। अब दिल से नहीं दिमाग से काम लेंगे, ठीक है। आज के टाइम में कस्टमर जो है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा ही बुद्धिमान है, और अगर हम मॉडर्न मार्केटिंग का कंसेप्ट देखें तो ये कहा जाता है कि कस्टमर इज किंग, ग्राहक राजा है। कोई भी फर्म लंबे समय तक तभी एग्जिस्ट करती है जब उसके कस्टमर उससे खुश हो। इसलिए आजकल हम लोग जो है कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करके चलते हैं, क्योंकि हमें होता है कि हमें अपने कस्टमर को जो है खुश रखना है। लेकिन कस्टमर बहुत समझदार है, वो ये चाहता है कि मैं पैसे भी कम लगाऊं और मेरे को चीज भी बढ़िया मिले। यहां पर वो डिसीजन लेता है दिल से नहीं, दिमाग से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तर्क का इस्तेमाल करता है। उसे कहा जाता है रैशनल बाइंग मोटिव। रैशनल बाइंग मोटिव क्या है? इट प्रॉम्प्ट्स द प्रोस्पेक्ट टू एक्ट बिकॉज ऑफ एन अपील टू प्रोजेक्ट बेटर जजमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग अपनी बुद्धि का, जजमेंट का, विवेक का इस्तेमाल करेंगे और जो चीज हमें सबसे बेटर लगेगी हम उसको यूज करेंगे या उस चीज को खरीदेंगे। इस स्लाइड के अंदर आप लोग देख रहे हैं मैंने मोबाइल की पिक्चर इसके अंदर डिस्प्ले की है। एक एडवर्टीजमेंट है ये, जिसके अंदर क्या किया कंपनी ने, इस मोबाइल की जितने भी प्लस पॉइंट्स थे, जितने भी फीचर्स थे, वो सारे के सारे डाल दिए।
टीवी के अंदर जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, उसके अंदर रेशनल अपील का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आज हम एक प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने के लिए जाएं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट कौन सा है, इसके लिए हम लोग अपनी जजमेंट का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रैशनल बाइंग मोटिव का इस्तेमाल किया। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि बुद्धि का इस्तेमाल होगा कैसे, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, देखते हैं। रैशनल बाइंग मोटिव्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फियर की। फियर, डर, ये है तो नेगेटिव लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रेरणा मानी जाती है। स्पेशली आप अगर LIC की एडवर्टीजमेंट देखें तो LIC के एडवर्टीजमेंट के अंदर इस डर अपील को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हम लोगों को ये डराया जाता है कि आप LIC करवाओ नहीं तो कल को अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार के साथ ये हो सकता है, बाद में आपकी फैमिली को सफर करना पड़ सकता है। या आप लोग टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट देखें तो वहां पर भी आप लोग देखेंगे कि डर बाइंग मोटिव का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी, कन्वीनियंस, ये बिल्कुल कंफर्ट के जैसी ही है जो हम लोगों ने अब तक पढ़ी, कि हम लोग अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। उस सुविधा के लिए हम लोग अपने घर में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए भी कई बार हम लोग रैशनल अपील का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि कोई चीज कितने लंबे समय तक चलेगी। आज के टाइम में हर कोई बंदा ये चाहता है कि मेरी मेहनत की कमाई है और मैं इसका जो है बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करूं। तो मैं ये डिसीजन पहले ये देखूंगी किसी भी चीज को खरीदने से पहले कि मैं जो चीज खरीद रही हूं वो कितने लंबे समय तक मेरा साथ देगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, मेरे सामने दो ऑप्शन है कि मैं LG की खरीदूं या वर्लपूल की खरीदूं। अब इन दोनों में मैं क्या करूंगी, कंपैरिजन करूंगी और मैं ये देखूंगी कि कौन सी मशीन लंबे समय तक चलेगी और किसका प्राइस कितना कम है। तो यहां पर हम लोगों ने रैशनल अपील का इस्तेमाल किया, दिल से नहीं अपने दिमाग से सोचा। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब होता है हिंदी में मितव्ययता, था इसका मतलब होता है कि हम अपने पैसे का इस्तेमाल तरीके से करें, क्योंकि आज के समय में हर किसी के लिए जो मनी है, पैसा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी मेहनत की जो कमाई है मैं उसको अच्छे तरीके से यूज करूं। तो हर कस्टमर ये चाहता है कि मेरे को जो चीज मिले मार्केट में वो सस्ती भी मिले और बढ़िया भी मिले, इसके लिए वो रैशनल बाइंग मोटिव का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट वन, सुटेबिलिटी, अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि मैंने अगर कोई भी चीज यूज की तो क्या वो मेरी फैमिली के लिए सुटेबल है या नहीं है। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपकी फैमिली बड़े वाली है, ठीक है, बिग है, मतलब बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में रहते हैं, आपकी ज्वाइंट फैमिली है। आप मार्केट के अंदर एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए जाते हैं, वहां आपने पसंद की कि मैंने जो है कोलगेट खरीदनी है, लेकिन कोलगेट की कौन सी पैकिंग, एक तो मिडिल साइज में आती है जो मतलब आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक उसका फैमिली पैक आता है। अब हमने ये देखना है कि मेरी फैमिली बड़ी है या छोटी है, अगर बड़ी है, ज्वाइंट है, बहुत सारे लोग हैं, ज्यादा यूज होती है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं फैमिली पैक का ही इस्तेमाल करूं। नेक्स्ट, हॉबीज, हॉबीज का मतलब होता है शौक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक की वजह से भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, इसलिए मार्केट के अंदर इन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगी कि हॉबीज में और हैबिट्स में फर्क होता है। हैबिट होती है कि आदत, कि हमने वो चीज खरीदनी ही खरीदनी है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग जो है उसके अंदर अपना दिमाग नहीं यूज करते। लेकिन हॉबीज के अंदर भले ही हमें शौक है लेकिन फिर भी हम जो है उसमें रैशनल अपील का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मेरे को कारों का बहुत ज्यादा शौक है, मेरे पास पहले ही ऑलरेडी 2-3 कारें हैं, अब मार्केट में एक नई कार लॉन्च हुई, मुझे वो खरीदनी है, लेकिन फिर भी शौक है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं खरीदने से पहले बहुत सारी चीजें उसकी चेक करूंगी कि क्या वो कार खरीदनी मेरे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। लास्ट पॉइंट, डिजायर फॉर मनी, आज के समय में हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है और धन बचाना भी चाहता है। मार्केट के अंदर कई बार बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, सेव फॉर मनी आती है, मनी बैक ऑफर आता है, तो कुछ लोग इसलिए भी चीज खरीद लेते हैं कि उन्हें जो है इसमें पैसा बच रहा है, तो उस पैसे की इच्छा के लिए भी कई बार हम लोग रैशनल बाइंग मोटिव्स का इस्तेमाल करते हैं।
अब तक हमने सीखा दो मोटिव्स के बारे में, एक थी हमारी इमोशनल और एक थी हमारी रैशनल। इमोशनल दिल से सोचा और रैशनल हमने अपने दिमाग से सोचा। अब हमें तीसरी बाइंग मोटिव्स के बारे में सीखेंगे, पैट्रोनेज बाइंग मोटिव्स। भाई मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्या होता है पैट्रोनेज? इट प्रॉम्प्ट्स द प्रोस्पेक्ट टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर कंपनी रादर देन अनदर। ये बाइंग मोटिव्स हमारी क्या है कि जिसके अंदर हम ये डिसीजन लेते हैं या ये ले चुके होते हैं कि हम एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ब्रांड का ही प्रोडक्ट क्यों खरीदें। इस स्लाइड के अंदर आप देखें, मैंने दो तरीके की बेकरीज को शो किया है, एक जॉय की है और एक करण की है। अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि मैं इन दोनों में से किस बेकरी पर जाकर सामान खरीदूं। इसके लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पहले उनको देखेंगे, जो फैक्टर हमें सूट करेगा उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें किस बेकरी से सामान खरीदना है। क्या है वो फैक्टर्स? सबसे पहले मैं बात करूंगी फेवरेबल लोकेशन की। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकेशन कि जहां से हम चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं वो लोकेशन हम लोगों के लिए फेवरेबल है या नहीं है। फेवरेबल होने का मतलब है कि वो हमारे घर से कितनी नजदीक है या कितनी दूर है। नेचुरल सी बात है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़े, हमारा टाइम हमारी मनी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। लेकिन अगर वो चीज हमें हमारे घर के नजदीक मिल जाए तो आई थिंक हम सभी लोग उसे प्रेफर करेंगे कि हम वहीं पर ही जाकर खरीदें। तो पेट्रोनेज के अंदर हम सबसे पहले डिसीजन लेते हैं लोकेशन के बारे में, उसके बाद बिहेवियर ऑफ सेल्समैन। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम जो है इस दुकान से जाकर सामान खरीदेंगे, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जिस शॉप से हम सामान खरीदने जा रहे हैं वहां के सेल्समैन हम लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। मान लीजिए आप किसी कपड़े को खरीदने के लिए गए, कोई भी सूट खरीदने के लिए गए, आमने सामने दो शॉप्स हैं, एक शॉप पर आप जाते हो, आपको वहां का मालिक नमस्ते करता है, आपको बिठाता है, आपको चाय कॉफी सर्व करता है, और दूसरे वाला आपसे ऐसी कोई बात नहीं करता और सिंपल जो है आपको सूट दिखाना शुरू कर देता है। तो आप प्रेफर करोगे कि जो आपसे बेटर ट्रीट कर रहा है आप उसी के पास ही जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ स्टोर। इसका मतलब क्या है कि आजकल थोड़ा शोशापंती का जमाना है, हर कोई देखता है कि किसी दुकान की साज सज्जा कैसी है। शायद यही कारण है कि आज के टाइम में जितने भी मॉल्स हैं, बिग बाजार्स हैं, इजी डेज हैं, ये सारे ज्यादा चल रहे हैं बजाय कि किसी भी एक सिंपल शॉप के। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत सारी फैसिलिटीज भी देते हैं और बहुत ज्यादा डेकोरेशन भी करते हैं, जैसे क्रिसमस आती है, न्यू ईयर आता है, तो ये लोग डेकोरेशन करके रखते हैं। तो हमें ये लगता है कि वहां की लुक, वहां की साज सज्जा, वहां पर जितनी हमें सुविधाएं दी गई हैं, वहां की जो अपीयरेंस है वो हमें अट्रैक्ट करती है कि हम लोग जो है उस चीज को उसी स्टोर से जाकर ही खरीदेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी की। आज के समय में अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपकी दुकान पर या आपकी शॉप पर, आपकी शोरूम पर बार बार आए, तो क्रेडिट फैसिलिटी देनी ही पड़ती है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपकी मार्केट में सबसे पहले आप ही का प्रोडक्ट खरीदे, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार हम लोग कोई चीज खरीदना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पूरे पैसे नहीं होते, लेकिन अगर आपको वो चीज इंस्टॉलमेंट में मिल जाए तो शायद हम लोग वो चीज फटाफट से खरीद लेते हैं। अगर कोई शॉपकीपर है आपको उधार पे सामान दे देता है, तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले उसी के पास जाओगे। तो आप यहां पर इस्तेमाल कर रहे हो पेट्रोनेज बाइंग मोटिव। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस, किसी की भी सिफारिश। मान लीजिए मैंने मोबाइल फोन खरीदना है, मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं, मैं किसी से भी खरीद सकती हूँ, लेकिन मान लीजिए मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके आगे किसी फ्रेंड की मोबाइल की शॉप है और वो मुझे आगे बताता है कि अगर तुझे मोबाइल फोन खरीदना है ना तो तू मेरे फ्रेंड की शॉप से कर ले, तुझे डिस्काउंट भी मिल जाएगी और वो हमें बेटर तरीके से ट्रीट भी करेगा। तो कई बार अपने फ्रेंड्स की वजह से, अपने रिलेशनशिप्स की वजह से, अपने रिलेटिव्स की वजह से भी हम लोग उस कंपनी का प्रोडक्ट या किसी भी स्पेशल शॉप पर जाकर वो चीज खरीद लेती है। लास्ट पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। अब हमने चीज तो खरीद ली, लेकिन चीज को खरीदने के बाद भी, जैसे कहते हैं ना कि कस्टमर की जो कंज्यूमर प्रोसेस होती है, बाइंग प्रोसेस,
वो खरीदने तक खत्म नहीं होती, वो उसके बाद भी चलती रहती है। क्योंकि जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बाद प्रोडक्ट में हो सकता है किसी भी रिपेयर की, किसी भी टूट फूट की, ये सब दिक्कतें आती रहती हैं, या उसको इंस्टॉल करना है, आफ्टर सेल सर्विस है, ठीक है, तो इन सब चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आफ्टर सेल सर्विस जो कस्टमर, जो कंपनी या जो भी दुकानदार हमें देता है, हम सबसे पहले अपना प्रोडक्ट वहीं पर जाकर ही खरीदते हैं। तो ये जितने भी हमने ये पॉइंट्स के बारे में सीखा, ये थे हमारे पेट्रोनेट बाइंग मोटिव्स। आज की इस ई-लर्निंग क्लास के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि मोटिव्स क्या है, कि प्रेरणा क्या है। किसी काम को करने के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा छिपी होती है, जिसकी वजह से हम लोग कोई ना कोई काम करते हैं। फिर हमने सीखा कि बाइंग मोटिव्स क्या है, किसी भी मोटिव को बाइंग मोटिव में हमने कैसे कन्वर्ट करना है, कि अगर हम जो चीज खरीदना चाहते थे अगर वो हमने खरीद ली और खरीद कर हमें सेटिस्फेक्शन भी मिली और जो हमारा उद्देश्य था अगर वो पूरा हो गया तो वो हमारी बन गई बाइंग मोटिव्स। फिर हमने तीन प्रकार की बाइंग मोटिव्स के बारे में सीखा, हमारी इमोशनल बाइंग मोटिव्स थी, रेशनल बाइंग मोटिव्स थी और हमारी पैट्रोनेज बाइंग मोटिव्स थी। इनके बारे में हमने पूरा सीखा। तो आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और प्लस मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे अपना बहुत ही कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।